स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करें बेटा? हम टिश्यू सिस्टम के बारे में। देखो, अगर हम बात करें जैसे प्लांट में, एनिमल में अगर हम बात करें तो सेल होता है, सेल से क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। और टिश्यू से क्या बन जाएगा? ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। लेकिन आपने प्लांट में कभी आप ऑर्गन नहीं पढ़ते, जैसे हमारे अंदर क्या है, लंग्स है, हार्ट है, इस तरह से प्लांट के अंदर स्पेशल ऐसा कुछ ऑर्गन नहीं होते। प्लांट क्या बनाता है? टिश्यू सिस्टम बनाएगा। और टिश्यू सिस्टम किसका बनेगा बेटा? अ ग्रुप ऑफ टिश्यू। तो क्या करता है? विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो क्या करता है बेटा? एक सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे टिश्यू, एक ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप ही क्या कहलाया जाएगा? टिश्यू सिस्टम कहलाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इस टिश्यू सिस्टम को प्लांट के अंदर, तो हम तीन टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम कौन सा टिश्यू कहेंगे? एपिडर्मल टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे हम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। दूसरा हम क्या कहेंगे? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। एंड थर्ड नंबर पर हम क्या कहेंगे? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे हम? वस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल का मतलब क्या होता है? कवरिंग। और कवरिंग हमें हमेशा क्या करेगी बेटा? प्रोटेक्शन, बचाएगी। वो क्या करेगी? बचाएगी। तो ये किसका काम करेगा? प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करेगा? प्रोटेक्शन। तो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्रोटेक्शन। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन। ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू मेनली किसका काम करेगा? मोस्टली एंड मोस्टली स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करेगा बेटा? स्टोरेज का। जैसे फूड स्टोर होना है, वेस्ट स्टोर होना है, एयर, जो भी सारी चीज़ें स्टोर हो, किसके अंदर होगी? ग्राउंड टिश्यू। अभी आप कहोगे पीछे तो मैडम ने पैरेन्काइमा में बताया था। हाँ भाई, क्योंकि ग्राउंड टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू किसका बना हुआ है? टिश्यूज का ही बना, तो कि ग्राउंड टिश्यू किसका है? तो पैरेन्काइमा का बना होगा, कॉलेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा में। हम आपको यही बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होगी, बट मेन काम किसका करेगा? ये मोस्टली स्टोरेज का काम करता है। तो इसके अंदर क्या क्या, इसके अंदर अगर हम बात करेंगे एपिडर्मिस के अंदर, एपिडर्मल टिश्यू के अंदर, तो क्या क्या आ जाएगा? एपिडर्मिस आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा? कोर्क आ जाएगा, एपिडर्मिस एंड कोर्क। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे हाइपोडर्मिस आ जाएगा, जैसे हमने वहाँ पे मेरिस्टमैटिक टिश्यू के अंदर बताया था। क्या आ जाता है यहाँ पर? कॉर्टेक्स आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर? एंडोडर्मिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? मेडुलरी रेज। कुछ काफ़ी चीज़ें आएंगी, हम सब चीज़ें बताएंगे क्या क्या होगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ क्या कहलाई जाएगी? ग्राउंड टिश्यू कहलाई जाएगी। वस्कुलर टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया बेटा? जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट में। और इसके अंदर मेनली एंड मेनली क्या क्या आ जाएंगे? जाइलम एंड फ्लोएम। हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में आपको बता चुके हैं, बट यहाँ पे हम जाइलम एंड फ्लोएम के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमने इस टिश्यू सिस्टम को तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और किसके अंदर कर दिया हमने? वस्कुलर टिश्यू के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम यहाँ पर एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम? एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ एपिडर्मिस जो कैसे नेचर का है? प्रोटेक्टिव नेचर का है। कैसे नेचर का है? प्रोटेक्टिव नेचर का है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी किसी की भी। कैसे कवरिंग होगी बेटा? ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट्स, वो क्या कहलाया जाएगा? एपिडर्मिस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वो एपिडर्मिस कहलाया जाएगा। अब अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे अगर इसकी हम शेप? देखो जनरली इसकी शेप, देखो अगर हमने ये, हमारे पास में एक ये प्लांट है, मेरे पास एक स्टेम है। अगर मैंने स्टेम को इस तरह से कट किया तो आपको इसका ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देगा, यहाँ पर ये सेल्स दिखाई देंगे। अगर मैंने इसको लंबाई की तरफ काटा, अब कभी भी काटना, जैसे आपके पास एक खीरा है, खीरे को लेना, आप बीच इस तरह बीच बीच में से काट दोगे तो आपका अलग से शेप दिखाई देगी, और ऐसे आप उसको बीच, मतलब कि ये लंबाई की तरफ से काटोगे तो आपका अलग तरह से काटोगे। ऐसे हम प्लांट को कट करते हैं बेटा, इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहेंगे। जब हमने ऐसे काटे से हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। और लंबाई की तरफ काटने के लिए हम क्या कह देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कह देते हैं। क्या कह देंगे हम? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इस तरह ऊपर से देखा तो हमें रेक्टेंगुलर शेप दिखाई देगी। अगर ऊपर से देखेंगे तो हम कैसे दिखाई देंगे? रेक्टेंगुलर। लेकिन जब हम इसको लंबाई की तरफ से काटते हैं तो ये कैसी होती है? इलॉन्गेटेड सेल्स होंगी। मेन सेल्स कैसी होगी? इलॉन्गेटेड सेल्स। ठीक है,
एक पाइप है भाई, पाइप का आपको देखोगे तो लंबाई में इस तरह का है, लेकिन जब आप पाइप को ऊपर से देखोगे तो आपको कैसी शेप दिखाई देगी, उसकी राउंड तो सेम वैसी है। जब मैंने इसको अपर से देखा है तो कैसी शेप होगी, रेक्टेंगुलर, बट इसकी मेन शेप कैसी होगी, इलांगेटेड है ये, कैसी होगी, इलांगेटेड है। तो शेप कैसी हो गई है ये, इलांगेटेड। अगर इसकी नेचर की बात करेंगे तो ये कैसा होता है, लिविंग नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा, लिविंग नेचर। बट इसके अंदर भी एक सेकेंडरी सेल वॉल है। अभी आप कहोगे भाई सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट हो गई तो ये तो डेड होना चाहिए, नहीं, इसके बाद जो सेकेंडरी सेल वॉल है किसकी डिपोजिशन हो जाती है, यहाँ पर क्यूटिन की डिपोजिशन हो जाती है। और मैंने आपको बताया था क्यूटिन हमेशा, क्यूटिन डिपॉजिट ऑन आउटर साइड, कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा ये, हमेशा बाहर की तरफ। जैसे मैं इस तरह से बना रही हूँ, अभी रेक्टेंगुलर शेप हमने बना दी है, हमने एपिडर्मल सेल बना दी है, क्या बना दिया हमने, ये एपिडर्मल सेल, ठीक है। और इसके नीचे इमेजिन करो कोई दूसरी सेल्स है, ये कोई भी क्या है बेटा, दूसरी सेल्स है। तो यहाँ क्यूटिन इधर इस तरह से क्या हो जाएगा, बाहर डिपॉजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बाहर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका कनेक्शन दूसरी सेल से नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो कैसी होगी, ये लिविंग नेचर की ही होगी। कैसी होगी, लिविंग नेचर की, बिकॉज क्यूटिन कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, ऑन द आउटर सरफेस एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, और एक अलग ही लेयर बना देता है विच इज नॉन एज क्यूटिकल। इसे क्या कहा जाएगा, क्यूटिकल कहा जाएगा, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो क्वेश्चन आता है क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होगा, या क्वेश्चन आता है एपिडर्मिस पर किसकी डिपोजिशन हो जाएगी, तो क्यूटिन। अभी तक हमने दो ही डिपोजिशन पढ़ी है, एक हमने लिग्निन की डिपोजिशन पढ़ी है और दूसरी हमने क्या पढ़ी है, क्यूटिन। आपको 101% यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, तीन डिपोजिशन है, एक लिग्निन, क्यूटिन एंड सुब्रिन। तो लिग्निन की डिपोजिशन हमेशा कहाँ पर बताई, स्क्लेरल एंड कायमा के अंदर, वेसल्स के अंदर भी हमने बताई थी, ठीक है, जाइलम के कंपोनेंट के अंदर थे, और हमने जो फ्लोएम फाइबर बताए वहाँ पे। और क्यूटिन कहाँ डिपॉजिट है, एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है, क्या कहाँ प्रेजेंट है, एपिडर्मिस की, ये वैक्सी होती है, लिपिड है। अगर आपने कभी लीफ को टच किया है, अपर की सरफेस को आप लीफ को टच कर दो नीचे गई, तो आपको कैसी दिखाई देती है, चिकनी सी दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर एपिडर्मिस पर मेनली क्या है, क्यूटिन। हालांकि हर जगह प्रेजेंट होगी, बट स्टेम के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है बेटा, एक सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण वहाँ कोर्क बन जाती है, इसलिए हमें वहाँ पे वो दिखाई नहीं देगी। तो ये याद रखना, एपिडर्मिस हर एक की कवरिंग पे प्रेजेंट होगी। आप कभी पूरे एक प्लांट को उखाड़ के देखना, रूट्स को उखाड़ के देखना, तो रूट्स भी आपको रूट्स आपको चिकनी नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ पे क्यूटिन डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। बाकी कोई ग्रीन स्टेम है, ग्रीन स्टेम को आप टच करना, आपका हमेशा कैसे दिखाई देगा, चिकना दिखाई देगा। देखो याद रखना बेटा, क्यूटिन प्लांट के हर हिस्से में प्रेजेंट होगी, क्यूटिन इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट, कहाँ प्रेजेंट नहीं होती कभी भी, वो रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। अब क्वेश्चन आता है भाई रूट्स के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्यों प्रेजेंट नहीं होती है, बिकॉज इन रूट्स जो क्यूटिन होता है वो क्या होता है बेटा, इम्परमीएबल नेचर का होगा, किसी को भी बाहर और अंदर नहीं जाने देगा। अगर रूट्स इम्परमीएबल हो जाएगी तो पानी अब्जॉर्ब कैसे करेगी, अगर प्लांट को पानी ही नहीं मिलेगा तो प्लांट तो डेड हो जाएगा। तो वहाँ पर तो हम क्या लिखते हैं, इंपॉर्टेंट याद रखना, इन रूट्स क्यूटिन इज अब्सेंट, और सच एपिडर्मल सेल्स, सच ये याद रखना, आपका क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, सच एपिडर्मल सेल्स विदाउट क्यूटिन, ऐसी एपिडर्मल सेल जिसके ऊपर क्यूटिन प्रेजेंट नहीं होता उसे हम एपिब्लेम कहेंगे, क्या कहेंगे, एपिब्लेम, या इसे हम क्या कहेंगे, पिल्ली फेरस लेयर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, पिल्ली फेरस लेयर। तो आपका क्वेश्चन आता है एपिब्लेम इज प्रेजेंट इन, क्या क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, एपिब्लेम इज प्रेजेंट इन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एपिब्लेम कहाँ प्रेजेंट होगी, रूट्स के अंदर, और एपिब्लेम क्या होगी, एपिडर्मल सेल विदाउट क्यूटिन, और क्यूटिन कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, रूट में प्रेजेंट नहीं होता, बिकॉज क्यूटिन कैसे नेचर का, इम्परमीएबल नेचर का है, ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे, मोस्टली जो क्यूटिन होता है थिन लेयर में ही होगा, कैसी लेयर में होगा, थिन लेयर में होगा, बट इन जीरोफाइट्स प्लांट, कौन से प्लांट्स के अंदर बेटा, जीरोफाइट्स प्लांट, पता ना जीरोफाइट प्लांट हम क्या कहेंगे, जीरो का मतलब क्या होता है, जैरिक, और फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट, द प्लांट विच ग्रो ऑन द जैरिक, जैरिक का मतलब क्या होगा, डेजर्ट,
डेजर्ट कंडीशन मतलब जहाँ पानी की कमी है, तो ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कम कौन से प्लांट कहेंगे, डेजर्ट प्लांट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, डेजर्ट प्लांट। वहाँ पर जो क्यूटीन है वो कैसी डिपॉजिट हो जाती है, वेरी थिक। कैसे डिपॉजिट हो जाती है, वेरी थिक। अभी हमने बताया भाई क्यूटीन क्या है, इम्परमेबल। ये हमारी एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, और बोर्ड में हमारे सब्जेक्टिव में कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे कि वाई द क्यूटीन इज थिक इन द ज़ीरोफाइट्स प्लांट। तो आपका आंसर क्या है भाई, क्यूटीन थिक क्यों है, बिकॉज क्यूटीन क्या है, इम्परमेबल बना रही है। तो क्यूटीन थिक होने के कारण जो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन होगा, क्या होगा बेटा, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन है इन प्लांट्स, वो क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। अभी ट्रांसपीरेशन अगर आपने नाम पढ़ा है, ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अपनी छोटी क्लास में पढ़ा भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होगी, वाटर का लॉस होना इन द वाटर वेपर की फॉर्म में फ्रॉम द प्लांट, और प्रोसेस क्या कहलाई जाएगी, ट्रांसपीरेशन। एक तो ये पहले ही वहाँ ग्रो कर रहे जहाँ पानी की कमी है, अगर उनके अंदर ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा तो सारा पानी तो बाहर निकला जाएगा और प्लांट पानी को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उनके अंदर क्यूटीन लेयर क्या है, थिक है, मतलब क्यूटिकल क्या हो गई है, थिक, क्योंकि किससे बचाएगी बेटा, ट्रांसपीरेशन रेट से बचाती है ये, ठीक है। आगे बात, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो आपको चीज़ याद रखनी है, कभी आपने लीफ, एक तो मैंने अगर आपको बात की जैसे कि किसकी लीफ, जैसे कि ग्रासेस की लीफ होती है, नॉर्मल कंडीशन में मिल जाती है, पर एक आपने कभी सीरियल प्लांट्स की लीफ देखा है, सीरियल प्लांट्स की लीफ, सीरियल प्लांट्स की जो लीफ अगर आपने देखा, जैसे कि वीट है, राइस है, इनकी वीट को टच करना आपको पैनी सी दिखाई देती है। आप उसको लीफ, जैसे आप ग्रास की लीफ को ना मुंह में लेके चबा सकते हो आराम से, मोस्टली लीफ को आप चबा सकते हो, बट जो ये सीरियल क्रॉप्स होती है, वीट है, राइस है, हर एक की नहीं कहेंगे हम, मक्का वगैरह मतलब सॉरी हर एक की हम नहीं कहेंगे, आप कभी भी देखना इनकी वीट और राइस की लीफ देखना आपको कैसी मिलती है, पैनी सी मिलती है। आप उसको चबाने की कोशिश करोगे तो आपकी जीभ कट सकती है। क्यों होती है, बिकॉज वहाँ पर इस क्यूटीन के साथ साथ में भी एपिडर्मिस ऑल्सो हैव द डिपोजिशन ऑफ सिलिका। वहाँ पर किसकी डिपोजिशन हो जाती है, सिलिका की डिपोजिशन हो जाती है। किसकी डिपोजिशन हो जाती है, सिलिका की, और सिलिका इसको क्या करती है, स्टिफनेस प्रोवाइड करेगी, टाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टाइट, क्योंकि हमारे इसमें वीट और राइस तो मेन इसकी लीफ है, लीफ में जाकर क्योंकि सीरियल क्रॉप होते हैं, लाइफ स्पैन इनकी छोटी होती है, तो वहाँ जल्दी फोटोसिंथेसिस होने के बाद इनकी जल्दी ग्रोथ होती है। तो इसीलिए क्योंकि हमारी मेन क्रॉप, अगर यही क्रॉप खराब हो जाएगी, खाने की क्रॉप, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमें खाने का कुछ नहीं मिलेगा। तो स्टिफनेस प्रोवाइड करने के कारण एनिमल इनको ग्रेज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, ग्रेज नहीं कर सकते। देखो भगवान ने हर एक चीज़ के अंदर अपने आप को बचाने के लिए अडेप्टेशन की हुई है, ऐसे इन मेन सीरियल क्रॉप्स के अंदर क्या हो गई है, वहाँ सिलिका की डिपॉजिशन हो गई है, और सिलिका इसे क्या बना देती है, स्टिफनेस बना देती है, ताकि एनिमल वो उसे ग्रेज ना कर सके, और हमारी क्रॉप क्या रह सकती है, बच जाती है, ठीक है, क्या रह जाएगी, हमारी क्रॉप्स बच जाएंगी, ठीक है बेटा। आगे अब देखो एक चीज़, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है यहाँ पे, देखो दो तरह के प्लांट्स होंगे बेटा, एक प्लांट होगा मोनोकोट और एक प्लांट होता है डाइकोट। ये मोनोकोट और डाइकोट होता क्या है, ये हम आपको प्लांट के अंदर बताएंगे। ये फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर फ्लावर आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे वीट है, सबके अंदर फ्लावर आएगा, वीट है याद रखना, जो ग्रासेस होंगी, राइस है बेटा, ये मोनोकोट से होता है। डाइकोट का मतलब क्या है, दो कोटिलेडन। ये क्या होगा बेटा, ये क्योंकि आपको तभी आएगा, डाइवर्सिटी में आपको समझ में आएगा, क्योंकि इनके बारे में हम डिटेल में वहीं करवाएंगे। जो नीम का प्लांट होता है, पीपल का प्लांट होता है, ये सारे कैसे आएंगे, डाइकोट प्लांट आएंगे। तो एक चीज़ याद रखना आपको, जो मोनोकोट प्लांट है मेनली ग्रासेस के अंदर, ये हमारे NTSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट इसलिए बता रही हूँ। हमारी ग्रासेस के अंदर जो एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी लार्ज हो जाती है, और मतलब बबल जैसी फूली हुई, जैसे कोई बबल होता है ना उस तरह की दिखाई देती है, लार्ज हो जाती है, बबल जैसी बन जाती है। वहाँ पर एपिडर्मिस को हम क्या नाम देते हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बुल्ली फॉर्म सेल्स कहेंगे, याद रखना, क्या कहेंगे हम, बुल्ली फॉर्म सेल्स। वहाँ पे एपिडर्मिस थोड़ी मॉडिफाइड हो गई है, लार्ज हो गई और बबल शेप हो गई, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, बुल्ली फॉर्म सेल्स कह रहे हैं, ठीक है।
क्या नाम दे रहे बेटा उसे हम बुलीफॉर्म सेल्स, तो इसको जरूर याद रखना है बेटा, ठीक है। आगे मेरी बात से तो क्वेश्चन आता है बुलीफॉर्म सेल्स आर, आंसर आपका क्या हो जाएगा, एपिडर्मल सेल्स हो जाएगा। या बुलीफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट हो गया, तो आपको मोनोकोट वर्ड लिखा मिलेगा या आपको ग्रासिस वर्ड लिखा मिलेगा, ये मोनोकोट, तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे इन एपिडर्मल सेल्स, देर आर सम मॉडिफिकेशन विद द इन एपिडर्मल सेल, सम ऑफ द सेल्स विल बिकम इलोंगेट, क्या हो जाते हैं, इलोंगेट हो जाएंगे, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, ट्राइकोम्स कहेंगे बेटा, क्या नाम देंगे, ट्राइकोम्स कहते हैं, क्या कहेंगे हम, ट्राइकॉम्स। तो क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि ट्राइकॉम्स क्यों है, इसलिए क्योंकि बेटा ये हमारे NCERT के डायग्राम में ट्राइकॉम वर्ड लिखा हुआ है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ट्राइकॉम क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गई है, क्या हो गई, एक्सटेंशन ऑफ सम एपिडर्मल सेल्स, क्या हो गया बेटा, एक्सटेंशन ऑफ सम एपिडर्मल सेल, कुछ एपिडर्मल सेल्स की क्या हो गई, ये एक्सटेंशंस हो गई है, ठीक है। अब ये ट्राइकोम अगर हम बात करेंगे, एक तो अंडरग्राउंड में हो सकती है, अंडरग्राउंड में हमारी क्या होती है, रूट, तो हेयर जैसी होगी उसे हम क्या कहेंगे, रूट हेयर, और अपर स्टेम पर होगी उसे हम क्या कह देंगे, एरियल हेयर कह देंगे, क्या कह देंगे, एरियल हेयर। ये तो हर प्लांट के अंदर नहीं मिलता है, किसी किसी के अंदर ही मिल जाएगा, अलग अलग काम करेगी, बट इम्पोर्टेंट है आपका रूट हेयर। आपने कभी किसी रूट को उखाड़ के देखा है, मान लो ये आपने रूट उखाड़ लिया है और यहाँ पे आपको इस तरह से क्या मिलते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो क्या होते हैं, रूट हेयर, और ये रूट हेयर क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स होंगी, क्या होगी, एपिडर्मल सेल्स। और रूट हेयर मेनली किस में हेल्प करेंगे, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, किस तरह से हेल्प करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर को ये अब्जॉर्ब कर सके। अगर ट्राइकोम वर्ड आएगा तो भी किसका मॉडिफिकेशन पार्ट हो गया बेटा, हमारे एपिडर्मल सेल, और रूट एयर भी आएगा तो भी हमारे पास ये ट्राइकोम का एक पार्ट है जो अंडरग्राउंड होगा, उसे रूट एयर्स कह देंगे, ऊपर की तरफ एयर मतलब एयर, एरियल का मतलब ऊपर की तरफ हो गया, उसे हम एरियल, ये अलग अलग टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। कोई जैसे कि ग्लैंड में आ जाए, कोई किस तरह से आ जाएगा, डजंट इम्पोर्टेंट, मेन हमारे इम्पोर्टेंट क्या होता है, रूट हेयर है, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, किसी की एरियल हेयर में अंदर अगर हम बात करें, कोई टाइट हो जाते हैं कांटे की फॉर्म में, स्पाइंस की फॉर्म में, काफ़ी प्लांट्स पे आपने कांटे देखे ना, तो मोस्टली क्या होता है बेटा, एपिडर्मल का एक्सटेंशन हो जाते हैं, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये हमने क्या करवाया बेटा, एपिडर्मिस करवाया। एपिडर्मिस के बारे में हमने क्या कहा बेटा, शेप में अगर हम बात करेंगे, जनरली रेक्टेंगुलर अपर की तरफ आउटलाइन में, लेकिन मेन सेल्स कैसी होगी, इलांगेटेड सेल्स होगी, लिविंग नेचर है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, क्यूटिन है, बट क्यूटिन यहाँ पे क्या बेटा, एक सेपरेट लेयर ही बना रही है और आउटसाइड में बनाती है, इसलिए सेल का इससे कनेक्शन रह जाता है, एक ही तरफ आती है, इसे हम क्या नाम दे देते हैं, क्यूटिकल नाम दे देते हैं। हर जगह क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, खाली कहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, जो इसे क्या बनाएगी, इम्परमिएबल बना देती है। और ऐसी जो एपिडर्मल सेल विच विदाउट द रूट एयर आर नॉन एज द एपिब्लम, या इसे हम क्या नाम देंगे, पिलीफेरस लेयर्स कह देंगे। और जीरोफाइट प्लांट्स के अंदर ये थिक होती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट को ये कम करती है। और सीरियल प्लांट में किसकी डिपोजिशन हो जाती है, सिलिका की भी डिपोजिशन हो जाती है, उसे क्या प्रोवाइड करेगी, स्टिफनेस, और ये किससे प्रोटेक्ट करेगी बेटा, एनिमल को ग्रेस करने से बचाती है। और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ ग्रासेस के अंदर ये बबल्स जैसी हो जाती है, फूल जाती है, और इसे हम बुलीफॉर्म सेल्स कह देते हैं। और ट्राइकोम्स क्या होंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल, जो इलोंगेट हो जाते हैं, ये दो टाइप के हो जाते हैं, रूट हेयर्स एंड द एरियल हेयर। और रूट हेयर्स मेनली क्या करेंगे, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, एपिडर्मस। अब हम अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कि भाई क्यूटिन हमने इम्परमेबल बताई, रूट में तो चलो है ही नहीं, तो आराम से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगी, बट स्टेम में भी, तभी आपने क्या कहा, ट्रांसपिरेशन भी करती है, स्टेम में CO2 भी जा रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, तो वो कैसे करेगी, हमारे पास क्वेश्चन आता है वो किस, क्योंकि क्यूटिन अगर हर जगह प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, वहाँ इम्परमेबल बना रही है, तो हम क्या करेंगे, इन अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, मेनली अगर हम बात करेंगे यहाँ लीफ पर एपिडर्मिस, क्योंकि मोस्टली काम वहीं पर करेगी, या यंग स्टेम होगा वहाँ पर, मेन है लीफ में, एपिडर्मल सेल्स पर, एपिडर्मल सेल्स हैव मैनी पोर्स,
स्मॉल क्या होंगे, पॉड्स, जिन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, स्टोमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे, जिन्हें हम स्टोमेटा कहेंगे। शायद आपने नाम सुन भी रखा है। अगर हम बात करेंगे, ये एपिडर्मल सेल्स हो गई है, ये इसके ऊपर ही सराउंड करेगी, गार्ड सेल्स हो जाती है, ठीक है। मैं आपको जनरल बता रही हूँ बेटा, यहाँ पे इस तरह से क्या आ जाएंगे हमारे पास में, ये एपिडर्मल सेल्स आ जाएंगी, इसके ऊपर ये क्या हो गया, क्यूटिन। देखो अब यहाँ पे ये क्यूटिन डिपॉजिट नहीं है, यहाँ तक तो है, ये पोर्स छूट जाते ही नहीं, पोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। क्योंकि पूरा इमेजिन करो, पूरा इम्परमेबल हो गया, पानी ना तो ऊपर जा पाएगा, ना और कुछ है, बाहर नहीं निकल पाएगा, ज़्यादा पानी प्लांट को ख़राब कर देगा, गल जाएगा प्लांट, सड़ जाएगा प्लांट के अंदर। अगर ये पोर्ट नहीं होंगे, ना CO2 अंदर जा पाएगी, ना फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इन एपिडर्मल सेल्स के अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, और वो पोर किसे सराउंड नहीं करेंगे, नॉट कवर्ड बाय द क्यूटिकल, क्यूटिन लेयर से ये कवर्ड नहीं होंगे, इन्हीं पोर्स को हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा। देखो स्टोमेटा क्या होता है, एक प्लूरल वर्ड होगा। काफ़ी बार स्टोमेटा ना लिख के एक स्टोमा वर्ड भी लिखा मिल जाएगा आपको, क्या लिखा मिल जाएगा, स्टोमा वर्ड भी लिखा मिल जाएगा। तो स्टोमा क्या होता है, स्टोमेटा की सिंगुलर फॉर्म होगी। कैसी फॉर्म होगी बेटा, ये सिंगुलर फॉर्म, और स्टोमेटा कैसी फॉर्म हो गई है, प्लूरल फॉर्म हो गई है। कैसी फॉर्म हो गई है, प्लूरल फॉर्म। तो क्या होते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा अगर हम बात करेंगे, स्टोमेटा क्या होते बेटा, हमें इसी के बारे में पढ़ना है। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स, ये पोर है, एक छोटा सा पोर बना दिया है, विच आर सराउंडेड बाई सम स्पेशल सेल्स। किससे होंगे बेटा, ये स्पेशल सेल्स से सराउंड है, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहेंगे। तो गार्ड क्यों नाम दिया गया, अब सीधा सा बात है भाई, हमारा एक स्कूल है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग में मेन दरवाजे के पास में हम किन्हें बैठा देते हैं, गार्ड्स को बैठा देते हैं, बैठा दिया, ये हमारा मेन दरवाज़ा हो गया। अब कोई दरवाज़ा इन्होंने बंद कर लिया, गार्ड ने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया, अब कोई नहीं आ रहा। जैसे कोई आएगा, कोई गाड़ी आ रही है, तो गार्ड ने क्या किया, उन दरवाज़ों को खोल दिया, गाड़ी जैसे ही अंदर चली गई तो उन्होंने गार्ड क्या करती है, इसको बंद कर देगी, फिर वहाँ पे मतलब एक तरह से उसको ध्यान रख रही है। इन द सेम वे इन सेल्स का नाम भी गार्ड इसीलिए पड़ा है, क्योंकि ये पोर्स है। तो गार्ड सेल किस में हेल्प करेगी, इनकी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा, मेन रोल किसका होगा, गार्ड सेल। तो ये हमने क्या बनाया, बीच में जो पोर बनाई है हमने क्या बना दिया, एक सिंगल लिख रहे थे हम स्टोमा लिख देंगे, और ये हमने क्या बना दी है, गार्ड सेल, क्या बना दी हमने, गार्ड सेल। तो गार्ड सेल किसको सराउंड करेगी, स्टोमेटा, और ये एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगी। एंड गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय अनदर एपिडर्मल सेल्स, किससे सराउंड हो गया, अनदर एपिडर्मल सेल्स, इन एपिडर्मल सेल्स को हम क्या कह देते हैं, सब्सिडरी सेल्स। एक तरह की एपिडर्मल सेल्स होंगी बेटा, क्या होंगे, एक तरह की एपिडर्मल सेल्स होंगी। अब एक चीज़ याद रखनी, जो गार्ड सेल्स होती है एपिडर्मिस में, बहुत इंपॉर्टेंट NTSC का क्वेश्चन है, इन एपिडर्मिस देयर इज एब्सेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कोई भी एपिडर्मिस सेल्स में क्या नहीं होंगी, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट गार्ड सेल। गार्ड सेल में क्या होंगे, ये हम बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, इसके अंदर क्लोरो, ये बीच में न्यूक्लियस बना दिया, और ये हमने क्या बना दिया है, क्लोरोप्लास्ट। बेटा इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये एपिडर्मिस की मॉडिफाइड हुई है, ये कोई नई सेल नहीं, एपिडर्मल ही मॉडिफाइड हो गई, भी एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस सेल्स होती है। तो एपिडर्मिस की एक ही जगह क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ओनली इन द गार्ड सेल, ठीक है। तो गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द स्टोमेटा, एंड गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय द अनदर सेल्स, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एपिडर्मल सेल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सब्सिडरी सेल्स कहेंगे। बेटा गार्ड सेल किस तरह से ओपन और क्लोज करवाएगा, इसका पूरा मैकेनिज्म हमारे 10th क्लास के अंदर आएगा, हम वहीं बात करेंगे। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट किसका डायग्राम याद रखना है, स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा क्या होंगे, पोर विच आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, एंड गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल। और गार्ड सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया बेटा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया, और गार्ड सेल किसमें हेल्प करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करेंगे। अब आपके लिए अगर हम बात करेंगे NTSC के अंदर हमारे पास में, सॉरी पहले अगर हम बात करेंगे स्टोमेटा के फंक्शन की बात करेंगे, हम किसकी बात करें बेटा, हम स्टोमेटा के फंक्शंस की बात करेंगे। स्टोमेटा का फंक्शन हमने क्या कहा भाई, एक तो मेन किस में हेल्प करेगी भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, किस में हेल्प करते बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भाई। CO2 तो अंदर गया,
और ऑक्सीजन को क्या करती है, बाहर रिलीज करेगी। तो एक्सचेंज CO2 लिया था और ऑक्सीजन बाहर छोड़ा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। सेकंड अगर हम बात करेंगे तो किस में रोल करेगी, ये ट्रांसपीरेशन में रोल प्ले करेगी। किस में रोल करेगी, ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर की लॉस किसके अंदर होना, वेपर के अंदर होना, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ओके। अब हमारी NTSC के लिए जो हमें थोड़ा सा और पढ़ना है गार्ड सेल, अभी मैंने तुम्हें दो प्लांट्स बताए, एक मैंने क्या बताया मोनोकोट्स और एक मैंने क्या बताया तुम्हें डाइकोट्स बताया। क्या बताया, मोनोकोट एंड डाइकोट्स। आपको जो चीज़ याद रखनी है मोनोकोट्स के अंदर, जो मैंने स्टोमेटा का डायग्राम बनाया ये मैंने डाइकोट का बनाया। ये क्या थे बेटा, पोर सराउंडेड कैसे कर रहे थे, गार्ड सेल। और आपको गार्ड सेल की शेप कैसी दिखाई दे रही है बेटा, गार्ड सेल की शेप आपको कैसे दिखाई दे रही है, किडनी शेप दिखाई दे रही है। कैसे शेप दिखाई दे रही है, किडनी, या हम क्या कहेंगे बीन शेप। तो इसको याद रखना, NTSC में क्वेश्चन आता है इन डाइकोट गार्ड सेल शेप इज, तो आपने गार्ड सेल की कैसी शेप कही, किडनी। बट कैसी शेप हो किडनी, बट मोनोकोट में कैसी होती है, डंबल। डंबल पता है ना, जो एक्सरसाइज करते हैं जिससे, वो वाली होती है डंबल। क्या हो गया, इस तरह से हो गया, ऐसे होता है ना डंबल, ऐसे होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए जो काम में आते हैं। तो गार्ड, अब आपने कोई डायग्राम आपने ये बनाया, इसको हमने इस तरह से कैसी होगी, ये इस तरह से डंबल जैसी, क्या हो जाएंगे ये डंबल। और इसके अंदर आपको क्या दिखा देने हैं, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट और बाहर क्या दिखा देनी है, सब्सिडरी सेल। बस यही फ़र्क होता है डाइकोट और मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में गार्ड सेल की शेप डंबल शेप, और इसके अंदर कैसी होगी, किडनी शेप या बीन शेप। थोड़ा सा ये याद रख लेना, ठीक है बेटा। तो हमने क्या करवाया, पूरा का पूरा एपिडर्मिस। ओके।